नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लेड आप सभी के सामने आज के करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट लेके हाजिर हो चुका हूं। आशा करता हूं हर बार के वीडियो की तरह ये वीडियो बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आज के करंट अफेयर्स का, हाल ही में NSIL का नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? धर्मेंद्र राय, अतुल कुमार गुप्ता, जी नारायणन या डी है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों सभी क्वेश्चंस के लिए आपको जो मैं है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। उस 10 सेकंड के समय अंतराल के दौरान आपको जो है आंसर देना है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाल ही में NSIL का नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, हाल ही में NSIL का नया अध्यक्ष जो है आपके जी नारायणन को अध्यक्ष जो है उनको नामित किया गया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में काशी एक रूप में अनेक कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेंगे? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में काशी एक रूप में अनेक कार्यक्रम का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने जो आंसर दे रहे हैं अपना आंसर जांच कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका आंसर किया जाएगा। काशी एक रूप में अनेक इस कार्यक्रम को जो है आपके नरेंद्र मोदी द्वारा जो है उद्घाटित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में UAE के अगले क्रिकेट निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जहीर अहमद, इरफान पठान, रोबिन सिंह और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर बताइए सभी, हाल ही में UAE के अगले क्रिकेटर निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तीसरे प्रश्न का आंसर आपके सामने साथियों, क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर होगा आपके सी रॉबिन सिंह। हाल ही में UAE के अगले क्रिकेट निदेशक के रूप में जो है रॉबिन सिंह को नियुक्त किया गया है। तो तीसरे का आंसर आपका सी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की जो है बढ़ोतरी की है? महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ रहा है, जो आंसर दे रहे हैं अपना आंसर जांच कीजिएगा साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों आपके डी ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ते हैं उसमें 5% की जो है बढ़ोतरी की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता राजेंद्र कुमार का निधन हुआ है, वे किस राज्य के थे? बिहार, पंजाब, उत्तराखंड और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर होगा साथ ही आपके सी उत्तराखंड। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता राजेंद्र कुमार का निधन हुआ है, वे उत्तराखंड के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश के साथ 14 समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है? फ्रांस, पुर्तगाल, रूस और इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर छह का आंसर बताएं सभी। क्वेश्चन नंबर छह का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश के साथ 14 समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी पुर्तगाल। पुर्तगाल के जो समझौते थे 14 उसके ऊपर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो यहां पर छहवें क्वेश्चन का बी वाला आंसर जो है वो एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, हाल ही में डेविड पुरस्कार किसने जीता है? गीता सेन, विवेक मित्तल, गुरिंदर सिंह है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सात का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सात का राइट आंसर होगा साथ ही आपके ए गीता सेन। हाल ही में डेविड पुरस्कार जो है गीता सेन के द्वारा जीता गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी कौन करेगा? पंजाब, लद्दाख, उत्तराखंड और इनमें से कोई नहीं। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर होगा आपके बी लद्दाख। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की जो मेजबानी है वो लद्दाख के द्वारा की जाएगी। तो यहां पर बी वाला आंसर आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न आपके सामने है साथियों, हाल ही में कॉमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द ईयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? एम वेंकैया नायडू, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर या डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके सामने साथियों, जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर जांच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपके सी मनोहर लाल खट्टर। हाल ही में कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द ईयर एक्ट 1981 पुस्तक का जो विमोचन है वो आपके मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। दसवां प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दसवां प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दसवें का जो राइट आंसर है साथियों वो आपके सामने है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके बी पीयूष गोयल के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए तो दसवें का आंसर आपके जो है बी वाला सही है। अब 11 प्रश्न आपके सामने है। 11 प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय पर्यटन विकास निगम ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? केरल, कर्नाटक, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 11वें प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपके सी गुजरात। हाल ही में भारतीय पर्यटन विकास निगम ने जो है गुजरात राज्य सरकार के साथ जो है समझौता किया है, इसलिए 11वें प्रश्न का आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में गो ईयर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल, विनय दुबे, सार्थक राय या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी विनय दुबे। हाल ही में गो ईयर का नया सीईओ जो है आपके विनय दुबे को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आज के इंपोर्टेंट 12 क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर्स का हमने डिस्कस कर लिए हैं साथियों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपनी राय आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुँचाइएगा। डेली आप जो है इस सीरीज को सुबह 6 बजे लाइव जरूर ज्वाइन करें ताकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित हो, अच्छे हेल्पफुल साबित हो। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।